हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। और आज मैं बनाने जा रही हूँ एक बहुत ही अच्छी सी रेसिपी जो कि आप सभी को बहुत ही ज़्यादा पसंद आने वाली है, उम्मीद है ऐसा। हम सबकी फेवरेट रेसिपी है, बस थोड़ी देर ब्लॉग में आप सभी बने रहिए, अभी आप सभी को पता चलेगा। मैं उसके लिए जा रही हूँ, सबसे पहले मैं स्टफिंग तैयार करने की तैयारी कर काम करके आ रही हूँ। सास बोल मैं तैयारी करती हूँ, उसके बाद आप सभी को मैं दिखाती हूँ और विधिवत बताऊंगी आप सभी को कैसा लगता है। आप सभी बना करके ट्राई कीजिएगा, बहुत ही अच्छा लगेगा आप सभी को। सरप्राइज सरप्राइज। हाँ, तो मेरे कान के बराबर, देखो मेरे से भी बड़ी हो गई बल्कि, ठीक है ना? अब खुश? ऑलरेडी ब्लॉग लेट हो जाएगा, मुझे पता है, रेसिपी बनाने में थोड़ा सा ब्लॉग लेट हो ही जाता है, तो इग्नोर कीजिएगा और ब्लॉग को पूरा देखिएगा। जो लोग हमारे चैनल पर नए जुड़े हैं, प्लीज 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 हमारे चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दीजिएगा, ताकि इसी तरह के बहुत ही अच्छे अच्छे वीडियो मैं लाती रहूंगी और आप सभी के साथ। हे गाइस, मैं यहाँ पे पीठा बनाने की मैं तैयारी कर रही हूँ। आज मुझे ही पीठा खाने का मन कर रहा था, मुझे बहुत ही अच्छा लगता है ये चना दाल का पीठा भर करके बनाना है। इसको बहुत सारे नामों से जाना जाता है, कुछ लोग तो इसे फर्रा भी बोलते हैं, कुछ लोग पीठा बोलते हैं, हमारे यहाँ पीठा बोला जाता है। आप सभी के यहाँ क्या बोला जाता है कॉमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा, बट मैं इसे फर्रा भी बहुत लोग बोलते हैं, पर अच्छा नहीं लगता है, पीठा सुनने में अच्छा लगता है, तो हम लोग पीठा इसको बोलते हैं। और इसके लिए पहले चना दाल को भिगो दिया जाता है, तो मैंने तो यहाँ पे 2 से 3 घंटे पहले ही मैंने भिगोया था। अचानक मुझे सुबह याद आया कि मुझे भिगोना, बट मैं भूल गई थी, नहीं भिगो पाई थी। फिर 2 से 3 घंटा पहले मुझे याद आया, तो मैंने इसे कढ़ाई में ही भिगो करके रख दिया था। बट ठंडी के दिन का 2 से 3 घंटा थोड़ा सा कम पड़ गया था, थोड़ा कम फूला हुआ था। यही अगर गर्मी का दिन होता तो 2-3 घंटे में ही बहुत ही फूल जाता है अच्छे से और बहुत ही स्मूथ ये पीस करके तैयार होता है। बट अभी ठंडी के दिन था, थोड़ा दिन छोटा होता है ना, तो इसके लिए थोड़ा सा कम फूला हुआ था। अगर आप सभी को भिगोना हो ठंडी के दिन में, तो मैं बोलूंगी कि पूरी नाइट अगर भिगो करके छोड़ दे तो बहुत ही अच्छा होगा, बहुत ही अच्छा पीसेगा। या फिर अगर रात को बनाना है तो दिन में ही भिगो दे सुबह में, तो भी बहुत ही अच्छे से हो जाएगा। मेरा थोड़ा सा लेट हो गया था, बट कोई नहीं, सारा ही हम पीस करके रेडी करना है। और आप सभी को लग रहा होगा कि मैं यहाँ पे छोटे वाले जार में क्यों पीस रही हूँ, तो बड़ा वाला जार मेरा ना अच्छे से नहीं, मतलब चलता तो है बट मुझे बारीक नहीं समझ में आता है, और इसको थोड़ा बारीक पीसना होता है ना, तो ये टाइट चीज़ें होती है। ये वाला मैं कुछ भी पीसती हूँ ना, तो बहुत ही अच्छे से पीस जाता है। मेरा मसाला वगैरह भी सब कुछ मैं छोटे वाले में ही पीस लेती हूँ, बहुत ही स्मूथ पीसता है, इसलिए मैं छोटे वाले में ही पीस रही हूँ। और पीसने के बाद मैं इसमें थोड़े से कच्चे मसाले में डालूंगी। कच्चे मसालों में देखिए इसमें क्या क्या है, मैं अभी आप सभी को दिखाती हूँ। यहाँ पे देखिए थोड़ा सा लहसुन के एक मतलब कली, लहसुन थोड़ा ज्यादा ही होना चाहिए, और कच्चा जीरा है, जीरे को मैं यहाँ पे पीस लूंगी। लहसुन, मिर्च और जीरा तीनों को मिला करके मैं इसी के साथ मैं पीस लूंगी। मेरा भी यहाँ पर थोड़ा सा पानी अधिक हो गया, तो पानी बिल्कुल भी अधिक नहीं करना है, वरना ये दाल में ही जाएगा, इसको मिलाना है तो दाल गीला हो जाएगा, तो फिर भरने में आप सभी को बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। तो मैंने पानी को थोड़ा सा कम कर दिया और इसको भी बारीक मैं पीस लूँगी। अभी थोड़ा सा मेरा दरदरा है, मैं एक बार और इसे चला लूँगी मशीन, तो इसमें पीस करके मैं मिला लूँगी। ब्लॉग में बने रहिए, देखते रहिए आप ब्लॉग को। जो लोग हमारे चैनल पर नए जुड़ रहे हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बिना सब्सक्राइब किए ही वीडियो देखते हैं, तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए, इसमें आपका कुछ नहीं लगेगा, बस हमारा हौसला ज़रूर बढ़ेगा और देखने में भी मुझे अच्छा लगेगा। चैनल को लाइक भी कीजिएगा अगर वीडियो पसंद आएगी तो। तो देखिए मैं यहाँ पर पीस ले ली और पीस करके मैं इसको मिला लूँगी, और इसके बाद मसाले में मैं नमक डालूँगी, थोड़ा सा हल्दी डालूंगी, और इसमें बहुत ज़्यादा कुछ मसाला नहीं ऐड करना होता है, सिर्फ जीरा का स्वाद इसमें बहुत ही अच्छा लगता है। इसमें जीरा बहुत ही अच्छे से मतलब इसका स्वाद बहुत ही अच्छा लगता है, और पूरा मिलाने के बाद ये कुछ इस तरह से होता है, देख सकते हैं आप लोग कैसे मैं इसको मिक्स कर रही हूँ।
और मिक्स करने के बाद मैं इसे आगे ब्लॉक में बने रहिए, मैं इसे भरने के लिए भी बताऊंगी। आगे उबालना जाता है इसको और उबालने के बाद इसे फ्राई किया जाता है। मैं सारे प्रोसेस आप सभी को दिखाऊंगी इस वीडियो में, तो ब्लॉग में बने रहें। थोड़ा सा मेरा नमक कम लग रहा है तो मैं थोड़ा सा और भी नमक ऐड कर दूंगी। मेरा प्रियल जो है ना, प्रियल इसे बहुत पसंद से खाता है और इनके पापा भी बहुत ही अच्छे से खाते हैं, बट बुलबुल थोड़ा सा कम खाती है, वो अच्छे से नहीं खाती है ये सारी चीज़ें। तो कोई नहीं, उसके लिए रोटी बना दूंगी या फिर कुछ बना दूंगी मैं। तो गाइस अभी आ गई हूँ मैं यहाँ पे भरने के लिए। देखिए मैं यहाँ हॉल में ही मैं लेकर के आ गई हूँ सारा चकला बेलना सब कुछ, क्योंकि यहाँ पे टीवी देखते देखते बैठ करके आराम से हम भर लेते हैं। बात करते करते भरने में इसको थोड़ा सा टाइम लगता है। ऐसे चकले पर हमने पहले इसको बेल लिया है थोड़ा पूड़ी की तरह, उसके बाद से बीचों बीच में इसको रख करके, थोड़ा सा गीला होता है तो थोड़ा प्रॉब्लम होगी आपको भरने में, बट अगर अच्छे से एक दो ट्राई करेंगे तो हो जाएगा। और इसका पूरा मुँह बंद कर दीजिएगा, क्योंकि अगर पानी में इसको उबाला जाएगा ना तो ये सारे मसाले बाहर ना निकले, इसके वजह से पूरा मुंह बंद कर देते हैं हम। और बंद करके इसी तरह से एक जैसे मतलब गुजिया बनाया जाता है ना, सेम टू सेम वैसे ही गुजिया की तरह ही बनाया जाता है ये भी। और इसको पानी में उबाल करके फिर से फ्राई किया जाता है, बहुत ही स्वादिष्ट लगता है खाने में। यहाँ पे प्रियल भी बैठा हुआ है, सारे लोग हम लोग टीवी देख रहे हैं। टीवी पे क्या चल रहा है पता नहीं, क्या चल रहा है, रामायण शायद चल रहा है। प्रियल हाँ, हनुमान जी का, हनुमान जी का ये देखता है ना, बाल हनुमान इस समय देता है ना, प्रियल बैठ करके इस समय ये देखता है, उसको अच्छा लगता है। छोटे हनुमान जी उससे बंदर की तरह बहुत ही अच्छे लगते हैं, तो देखता है यहाँ पे। तो यहाँ पे बैठे बैठे मैं अपना काम भी कर लूंगी और उसके बाद से ये भी हो जाएगा। थोड़ा अगर एक दो आदमी रहता है ना तो फिर भरने में बहुत ही अच्छा लगता है, बात कर करके आदमी भर लेता है, बट कोई नहीं, अकेले हम हैं तो क्या है, थोड़ा सा ज्यादा टाइम लगेगा बट भरा तो जाएगा ही। हे गाइस, तो मैं यहाँ पे सारे ही बना करके मैं तैयार कर ली हूँ, देखिए। और उसके बाद से इतना सारा मैंने इसमें डाला हुआ है। इसमें सबसे पहले मैंने कढ़ाई में यहाँ पानी गर्म होने के लिए रख दिया था और पानी में थोड़ा सा मैं ऑयल मिला दी थी ताकि ये आपस में एक दूसरे से चिपके नहीं। उसके बाद से सारे ही जो भी मैं ये बनाई हुई थी इसमें डाल दी हूँ ताकि ये थोड़े देर के लिए अच्छा एक उबाल आ जाए। और अभी थोड़ा सा इसको निकालूंगी, उसके बाद से ये बचा हुआ है तो इसको भी मैं वापस से डालूंगी। बस ये थोड़ा सा हो जाए उसके बाद से मैं डालती हूँ इसमें, पहले ये थोड़ी देर उबल जाए। देखिए बहुत ही अच्छे से, आधे से अधिक हो गया है, बस 5 मिनट और इसको पकना बाकी हुआ। देखिए फूल फूल करके कितना बड़ा बड़ा हो गया है, मैंने बहुत छोटा छोटा बनाया हुआ था और फूल फूल करके बड़ा बड़ा हो गया था ये साइज का। आप सभी सेम इसी तरह से बना करके ट्राई करेंगे, बहुत ही अच्छा लगेगा। सर्दियों के दिनों में तो बहुत ही अच्छा लगता है ऐसे बना करके खाने में। मेरे घर में सबको पसंद है, खास करके पर्सनली मुझे कुछ ज़्यादा ही पसंद है, बट इस बार मैं बहुत दिनों बाद बना रही हूँ। और अब ये इसका लास्ट प्रोसेस है। लास्ट प्रोसेस में मैंने कढ़ाई गर्म होने के लिए रख दिया है और कढ़ाई में थोड़ा सा मैं रिफाइन ऑयल डाली हूँ, बहुत ही थोड़ा सा, बस इसे फ्राई करना होता है। तो ये बहुत ही अच्छे से गर्म हो जाना चाहिए वरना सारा ही चिपक जाएगा। तो देख लीजिए, इसको मैं कढ़ाई गर्म करके मैं इसको अच्छे से मैं गर्म होने दे रही हूँ। और इसमें मैं क्या क्या मिक्स करने वाली हूँ ब्लॉग में आप सभी देखते रहिए। मैंने इसमें कढ़ी पत्ता डाला है, कढ़ी पत्ता आप सब बहुत मतलब भर भर के कढ़ी पत्ता डालिएगा, बहुत ही अच्छा लगा। उसके बाद मैंने इसमें राई डाला है, थोड़ा सा काला राई है। और राई डालने के बाद इसमें मैं डालूँगी हींग। हींग का स्वाद इसमें गाइस बहुत बहुत ही टेस्टी होता है, इसमें मैं हींग भी ऐड कर रही हूँ। और ये सारे ही चटक जाएंगे ना, इसको बहुत ही अच्छे से थोड़ा भून लीजिएगा। कढ़ी पत्ता तो वैसे ही बहुत ज़्यादा चटकता है, तो इसको मैंने चारों तरफ से उलट पलट करके मैंने चला लिया है ताकि ये हर तरह से ये बिल्कुल भी कढ़ी पत्ता टाइट टाइट हो जाए, तो बहुत ही अच्छा लगता है। और इसमें और उसके बाद से जितने भी मैं ये अपने फर्रे बना करके मैं रखी हूँ सारे को ही मैं इसमें ऐड कर दूँगी। और ऐड करने के बाद मैं इसे मिला दूंगी, बहुत ही अच्छा लगेगा। आप सब इस तरह से बना करके खाइएगा और मुझे कमेंट करके बताइएगा कि कैसा लग रहा है आप सभी को। मुझे बहुत ही अच्छा लगता है, आई होप कि आप सभी को भी अच्छा लगेगा। और इस तरह से हम इसमें मिक्स कर देंगे चारों तरफ से, बहुत ही अच्छे से ये टाइट टाइट हो जाता है और बिल्कुल करारा भी होता है। अगर अच्छे से ये चिपके ना तो बहुत ही अच्छे से करारा हो जाता है। और इस तरह से फ्राई करके बहुत लोग इसे उबाल करके भी सिर्फ खाते हैं, बट उतना टेस्टी नहीं होता है। लेकिन सिर्फ इसको थोड़ा सा फ्राई कर दो, कढ़ी पत्ता मिला दो ना, तो इसका स्वाद बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाता है और बहुत ही खूबसूरत लगता है ये खाने में। तो इस तरह से आप सब भी ट्राई कीजिएगा।
देखिए यहाँ पे हम बना ले रहे हैं, और बनाने के बाद बस बच्चों को सर्व कर देंगे, खा लिया जाएगा। अभी तो इनके पापा ऑफिस से आए नहीं हैं, जब वो आएंगे तब ही खाएंगे, बट बच्चों को मैं दे दूंगी, क्योंकि दे कर के समय से मैं इन लोगों को सुला देती हूँ। सुबह इन लोगों को स्कूल भी जाना होता है, तो फिर हर चीज़ का टाइम होता है, टाइम से समय से सोएंगे तभी तो सुबह जल्दी फिर से उठ पाएंगे। तो बन गया मेरा खाना, आई होप कि आप सभी को रेसिपी समझ में आई होगी, और अगर अच्छा लगे तो एक बार आप सभी ट्राई कीजिएगा, इस तरह से बहुत ही अच्छा लगता है। एक बार ट्राई करके जरूर देखिएगा, आप सभी को पसंद आएगा, और बहुत ही अच्छे से हो गया है, देख लीजिए। अब मैं दे रही हूँ बच्चों को खाना, इनके पापा तो लेट से ही आएंगे, तो उनके लिए मैं रख दे रही हूँ, और बच्चों को मैं खाना दे रही हूँ। चलिए इस ब्लॉग को अभी यहीं पर समाप्त करते हैं। आई होप कि आप सभी को बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगा, इस ब्लॉग को बहुत सारा प्यार दीजिए, और अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए, क्योंकि रेसिपी किसी न किसी के काम आ ही जाता है। तो चलिए गाइस, मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट ब्लॉग में। चैनल पर जो लोग नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और इस वीडियो को शेयर लाइक कर दीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक आप अपना ध्यान रखिए। बाय बाय, टेक केयर।